अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजफ्फर, हम मेन मार्केट पहलगाम में मौजूद हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहलगाम पहुंच चुका है, या यूं कहें कि पहलगाम में हमारे साथ अमरनाथ यात्रा करने के लिए कुछ यात्री लोग मौजूद हैं। अगर इस साल की बात करें तो इस साल बहुत अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में यात्री यहाँ आएंगे। इससे पहले साल यानी 2023 की बात करें तो 4.5 लाख लोगों ने यात्रा की उम्र। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों तो अगर SDRF, NDRF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF जो रेस्क्यू टीमें हैं, यानी उनकी बात करें तो 39 रेस्क्यू टीमें जो है वो भी तैनात की गई हैं इस साल, चाहे वो यहाँ की इंतजामिया पहलगाम की हो, अनंतनाग की हो, या यूटी की लेवल की इंतजामिया की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के लिए बड़े इकदाम उठाए और जबरदस्त तरीके से इस बार ये कहेंगे कि यात्रा होने वाली है। क्या आप कहाँ से आए हो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पहुंचे हो? हम हरियाणा से आए हैं, करनाल जिले से। हमारे साथ 30-35 लोग हैं, बाकी पहलगाम से उधर से गए बालटाल से, और 8 लोग हम हैं जी। हाँ, 70-80 बस चली थी सुबह वहां से। इंतजाम बहुत बढ़िया है प्रशासन का, और जो सेवक आया भंडारे लगे हुए हैं उनका भी अच्छा इंतजाम है। बाकी ये बताएंगे तो क्या कहेंगे इस बार जो अमरनाथ यात्रा में लोग आने वाले हैं, कितनी तादाद में आएंगे, क्या लगता है हालात को किस तरीके से यहाँ आप देखते हो? 2 लाख लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ, और देखो अब आने वाले दिनों में और भी रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, जी जी, बहुत ज्यादा होगा। हाँ, और बाबा ने चाहे सबकी इच्छाएं पूरी करे बाबा। इससे पहले आए हो यात्रा करने के लिए? 3 दफा आ चुका, ये चौथी बार ही है। कश्मीर के हालात को किस तरीके से आप देखते हो? देखो महाराज की इच्छा सब ठीक है, अच्छे है। ये नहीं है कि पहले जो बहुत ज्यादा ना, अब ठीक है, अच्छे है। हम उधर भी दिखाए थोड़ा सा कैमरा और किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज इस टाइम यहाँ पे पहरा दे रहे हैं, और मेन मार्केट पहलगाम में हम मौजूद हैं। सभी इंतजाम यात्रा को लेकर कम्प्लीट कर दिए गए हैं। अब अमरनाथ यात्रा आज से शुरू है और ये लगातार 52 दिन तक ये यात्रा चलेगी, और 52 दिन के लिए सभी इंतजाम। अगर यहाँ के लोकल लोगों की बात करें तो वो भी अमरनाथ पहुंच चुके हैं, वो भी चंदनवारी पहुंच चुके हैं, चाहे वो डांडी वाले लोग हों, चाहे वो बाकी हेल्पर लोग हो, सभी लोग लोकल वहां पे पहुंच चुके हैं, टेंट वाले लोग पहुंच चुके हैं। तो हमें दीजिए हमारे कैमरामैन के साथ इजाजत। खुदा हाफिज़।